प्रदेश में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और झारखंड के बोकारो जिले में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने बयान जारी कर बताया है कि बोकारो जिले के ही लोहांचल में मौजूद सरकारी पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ मुर्गियों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। बयान में ये भी बताया गया है कि बर्ड फ्लू की वजह से कुछ कड़कनाथ चिकन की मौत भी हो गई है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को अफेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित किया है और इन इलाकों में चिकन और बत्तखों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। तो झारखंड में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल झारखंड के बोकारो जिले में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये अभी कड़कनाथ मुर्गियों में फैला है। कड़कनाथ का मांस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और इसमें आयरन और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह पूरा काला होता है। इसका मांस और खून भी काला होता है। प्रशासन ने बताया है कि बर्ड फ्लू की वजह से कई कड़कनाथ मुर्गियों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले सामने आने के बाद राज्य को अलर्ट पर रख दिया गया है। बोकारो के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप चौधरी ने ये भी जानकारी दी है कि एक मेडिकल टीम बनाई गई है जो बोकारो की सीमा से सटे जिलों की निगरानी करेगी और साथ ही मुर्गियों और बत्तखों के सैंपल भी लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जोन के आसपास रह रहे लोगों के सैंपल भी लेने को कहा गया है और जिला अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति बर्ड फ्लू से संक्रमित होता है तो उसका इलाज किया जा सके।